कैसे हैं आप? स्टार्ट कर रहे हैं हम बिजनेस स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 3 एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, आईकॉम पार्ट 2 की। इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन आपको करा चुके हैं। आपका मेन हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने बताया था कि मेन में दो तरह के फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, ग्रुप डाटा के भी और अनग्रुप डाटा के भी। तो हमने क्या स्टार्ट किया था? अनग्रुप डाटा का, जिसमें हमने आपको तीनों मेथड से बता दिए थे कौन कौन से फार्मूले अप्लाई करते हैं। तो आज हम कह रहे हैं अपना जो क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन वही करवा दें जो आपको एग्जाम में आते हों। तो स्टार्ट करते हैं, बुक्स आप है तो खोल लें, बोले यहीं से आपको बता देते हैं। ये जी मेरे सामने बुक पड़ी हुई है, नज़र आ ही रहा होगा आपको जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट है 3.1। लिखा हुआ है द फॉलोइंग डाटा शोज एजेस ऑफ 10 सिलेक्टेड प्रोफेसर ऑफ अ सर्टन कॉलेज। कॉलेज के 10 प्रोफेसर को सिलेक्ट किया और उनकी एज का बताया। देखिए मेरे पास है 50, 55, 46, 40, 35, 38, 42, 24, 48, 52। ठीक है, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। अब मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर उसने सिर्फ आपको कहा है कि मीन फाइंड करना है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कौन से मेथड से फाइंड करना है। जब उसने बताया नहीं है तो इसका मतलब आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट ज़्यादातर किस मेथड को प्रेफर करते हैं, डायरेक्ट मेथड को, क्योंकि वो उनको ईजी लगता है। चले आते हैं बोर्ड की तरफ, स्टार्ट करते हैं। ये जी मेरे पास ये है क्वेश्चन नंबर 3.1। पहले इसकी वैल्यू आपको लिखी दिखाते क्या है, 50, 55, 46, 40, 35, 38, 42, 44, 48 और 52। ठीक, अब डायरेक्ट मेथड का फार्मूला अगर आपको याद हो, साथ साथ याद कर लेंगे, जब आप क्वेश्चन करते हो वो ऑटोमेटिकली ही आपको याद हो जाते हैं। अनग्रुप डाटा देखिए, इसमें कोई तरतीब ही नहीं दी है, या कोई टेबल नहीं बनाया या कोई फ्रिक्वेंसी नहीं दी हुई है। तो जस्ट आपने से क्या करना है, ये फार्मूला लगा देना। ये है इसका फार्मूला, सिंपल, एक्स के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, ये मीन की अलामत है। ठीक है, समेशन का मतलब है कि जितनी आपको वैल्यूज दी है वो क्या करना है, इसका टोटल है। ये एक्स यहाँ पे लिखा है, इसको आप वाई भी फर्स्ट कर सकते हैं, जेड भी फर्स्ट कर सकते हैं, जो भी फर्स्ट करेंगे यहाँ पर उसका चेंज हो जाएगा वेरिएबल। एन से मुराद है इसकी तादाद कितनी है। अब आपने करना है कि इन सबको प्लस करना है। ये देखिए 50 + 55 + 46 + 40 + 35 + 38 + 42 + 24 + 48 + 52। ठीक है, देख लो नजर आ ही रहा होगा। अब इन टोटल टैली को मैंने काउंट किया तो मेरे पास कितने नंबर आ रहे हैं, 10। कितने आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं। 10 नंबर के बाद ये साइड पे देखिए, ये आदमी शामिल आना स्टूडेंट ही भूल जाते हैं, क्योंकि सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं। ये जिनको मैंने टोटल किया तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 430, और 430 को मैंने 10 पे डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया है 43। यानी मेरे पास जो एक्स बार का आंसर आया वो क्या है, 43। ये लिए सिंपल है अर्थमेटिक मीन का। अगर तो आपसे ना पूछे तो आप जो मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ ले तो फिर आपने क्या करना है, वही मेथड लगाना है जो कि उन्होंने पूछा हुआ। इसलिए आपको तीनों तरीके करवाए जा रहे हैं। अब यहाँ तक डन हो गया, इसी तरह अगला सवाल करने लगे जिसमें आपको डायरेक्ट का भी सिखाएंगे और इनडायरेक्ट का भी सिखाएंगे। ठीक है, चलें अब हम दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास दूसरा सवाल। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, 5, 10, 15, 5, 7, 3, 20, 40, 0, 35। ठीक है, और आपसे ये कहा गया है कि आपने इसको डायरेक्ट मेथड से भी करना है और आपने इसको इनडायरेक्ट मेथड से भी करना है। दोनों मेथड से करेंगे ना तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि दोनों का आंसर इक्वली आता है। अगर नहीं आ रहा इसका मतलब आपने कहीं गलती की है। देखिए सवाल नंबर क्या है, 3.2 आपकी बुक में होगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं। डायरेक्ट मेथड से करने का तरीका ये भी है, यहाँ पर आप पर एक्स लिखें। ठीक है, यहाँ पर देखिए 15, 5, 7, 3, 20, 40, 0, 35। देखिए कोई वैल्यू मिस तो नहीं होगी। हाँ जी, वैल्यू हमारी मिस हो गया, इसको हम जरा दोबारा लिख लेते हैं। हे देखें, 5 है, 10 है, 15 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 3 है, फिर 20 है, फिर 40 है, फिर 0 है, फिर 35 है। अब इसको गिनने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वैल्यू। देखें ये आपको नज़र आ रही होंगी, टोटल 10 वैल्यू। आपने क्या करना है, एक तरीका ये भी है, या उसको आप इस तरह कर लें, या कॉलम वाइज कर लें, या रो वाइज कर लें, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इसका टोटल किया। ठीक है, टोटल करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 140। ठीक है, कैलकुलेटर से करें, टोटल करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, 140 मेरे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, निकाल दिया। अब मैंने डायरेक्ट सिंपल इसको किस में पुट करना है,
फार्मूले पे, ये रहे जी ऊपर एडिंग भी दे देते ताकि आपको क्लियर हो कि डायरेक्ट मेथड का फार्मूला लगा रहे हैं, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो। ये बड़े इजी मेथड से करवा रहे हैं आपको, इतना इजी से कि अगर छोटा बच्चा भी करेगा उसको भी समझ आ जाएगी। इतना लंबा चौड़ा नहीं घुमा रहे हैं, डेफिनेशन उधर से उधर की उठा के नहीं दे रहे, जस्ट टू डी पॉइंट कि आप उसको करें और इम्तिहान में पास हो जाए और आगे बढ़े। ठीक है, ये एक्स बार समेशन एक्स एन क्या है मेरे पास टोटल, ये है 140। 140 को मैंने 10 पे डिवाइड किया क्योंकि नंबर टोटल मेरे पास कितने हैं, 10 वैल्यूज दी हुई है। ये जी मेरे आंसर पास क्या आ गया है, 14। ये मेरे पास डायरेक्ट मेथड का आंसर आ गया 14। यहाँ तक क्लियर हो गया, देख लें जिधर से, ठीक है ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसी तरह इनडायरेक्ट मेथड का आपको करके देंगे और यही आंसर आपको निकाल के देंगे। आप ज़रा देखें क्या कर रहे हैं हम इसको, ये अब इसी वैल्यू को लिख रहे हैं हम दोबारा यहाँ पर, ये देखिए 5, 10, 15, 5, 7, 3, 20, 40, 0 और 35। ठीक है, अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि हम फार्मूला जो आपको इंडायरेक्ट मेथड का आता है यहाँ दोबारा तो आते हैं, ये इसमें ए लगता है प्लस वेशन डी है और डिवाइडेड बाय एन है, और डी मैंने आपको बताया था किसके बराबर है, एक्स माइनस ए, क्या बताया था एक्स माइनस ए के बराबर है। और ए क्या रकम है, कोई भी वैल्यू जो अपनी मर्जी से आपने क्या करनी है, फर्ज करनी है। अब यहाँ से कोई वैल्यू ले लें, चले मैं अगर यहाँ पर आपने 5 ले लिया तो आपने इस ए की जगह क्या लिखना है, 5 लिखना है। ये मैंने 5 लिया, आप जो मर्जी ले लें लेकिन आपका आंसर इक्वल ही आएगा। 5 ले लें, 7 ले लें, 20 ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने 5 लिया है तो आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन आंसर आपको ही आएगा 14। ठीक है, ये जी आप देखिए इसका तरीका क्या, 5 को ये देखिए एक्स की वैल्यू माइनस होगी 5 से, 5 को 5 से किया क्या आ गया 0, उसके बाद क्या है 10 को 5 से किया क्या आ गया 5, 15 को किया 5 से तो क्या आ गया 10, 5 को 5 से किया 0, 7 को किया 5 से, ये माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ आएगी, तो आपके पास क्या आ गया है 2, 3 को 5 में से माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया है माइनस 2। अब माइनस 2 है क्योंकि वहाँ पर बड़ी रकम है और यहाँ पर छोटी रकम है, इसका आपको पता ही होगा। ठीक है, 20 में से आपने 5 को किया तो आपके पास 15 आ गया, 40 में से 5 किया तो आपके पास 35 आ गया, 0 में से माइनस 5 किया तो माइनस 5 ही आएगा, और 35 में से आपने 5 किया तो आपके पास क्या आएगा 30। ये जी मेरे पास की वैल्यू आ गई। अब इन सबको क्या करना है, आपने टोटल करना है सबका टोटल। अच्छा, जब टोटल करेंगे तो माइनस की नामतों का आपने खास ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या वो डायरेक्टली प्लस करते हैं, उनका आंसर नहीं आता, वो इसी चक्रों में उलझे रहते हैं। इसको मैंने प्लस किया तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 90। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आंसर ख़त्म नहीं होता, अभी इसको आपने फार्मूले पुट करना, पुट करने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा आंसर 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, मैं इसको साइड पे लेके जा रहा हूँ, ये देखिए फार्मूला समेशन एक्स ए प्लस समेशन डी ओ एन। अच्छा, ए क्या फ़र्ज़ किया, 5। अगर आपने कोई वैल्यू फ़र्ज़ किया तो आप वो लिखेंगे, यहाँ पर मैंने 5 फ़र्ज़ किया इसलिए मैंने 5 लिखवाया आपको, और आपका टोटल क्या आ रहा है 90। ठीक है, इसको आपने 10 पे डिवाइड करना क्योंकि टोटल नंबर वैल्यूज कितनी आपके पास 10। ये जी 90 को 10 पे डिवाइड किया, मेरे पास क्या आया, सबसे पहले डिवाइड वाला करना है बाद में प्लस करना है, ये जी 9 आ गया, उसमें मैंने 5 ऐड किया, 5 ऐड करने से आपके पास आंसर क्या आ गया 14। ये देखें ये भी 14 आ गया, और जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेथड का वो भी 14 है, इनडायरेक्ट मेथड का भी 14 है, दोनों इक्वल आ गए हैं। अब जब आप तीसरा मेथड आपको कराएंगे ना वो भी सेम ही आएगा। इसका चेक करने का तरीका यही होता है कि आप उसको एक ही सवाल को तीनों मेथड से करेंगे आंसर आपका इक्वल आएगा, इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन 100% जो है ठीक है, गलत है ही। लेकिन अगर डिफरेंट चेंज आ रहा है, एक सवाल में कोई और आ रहा है मेथड में, दूसरे में कोई और है, इसका मतलब है गलत है। अच्छी तरह से देख लें, अगर आपको कोई पॉइंट कन्फ्यूज़ कर रहा है तो हमें कमेंट्स करें या हमारे ईमेल आईडी पे हमसे ज़रूर इस सवाल का जवाब पूछें। अगर कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं कर रहा है या आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसे ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट्स करें, आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको इसकी अपडेट मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और तालीम फैलाएं और दूसरों को भी आगे बढ़ने दें, आप खुद भी बढ़ें क्योंकि एक अच्छी चीज़ है, पहले ही बताया इसको एक चेन बना ली क्योंकि एक सदका जारी है, खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।